हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। हम समझेंगे कि इंटरैक्टिव मॉडल क्या होता है और साथ ही साथ हम करेंगे इसकी थ्योरीज जो के है चार्ल्स ऑसगुड एंड विल्बर श्रम्स। वैसे तो इसमें और तीन चार थ्योरीज है जो हम हमारे आने वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। इंटरैक्टिव मॉडल, जिसे हम कन्वर्जेंस मॉडल भी कहते हैं, इंटरैक्टिव मॉडल जहाँ पे हम न्यू मीडिया के जरिए, यानी कि जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सबके माध्यम से, इसके माध्यम से हम जब अपना मैसेज अगले तक पहुंचाते हैं, हम उसे इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। अब देखो, ये मॉडल इंटरैक्टिव कैसे बनता है? जब हमें फीडबैक रिसीव होता है, यानी कि हमारे मैसेज का जब हमें रिस्पॉन्स मिलता है, तो ये इंटरैक्टिव बन जाता है। पर इस मॉडल में, इंटरैक्टिव मॉडल में, हमें फीडबैक स्लो मिलता है, ठीक है, मतलब डिले हो जाता है, और कभी कभार तो हमें ये फीडबैक नहीं भी मिलता है। तो जब हमें फीडबैक नहीं मिलता है, तो ये इंटरैक्टिव मॉडल बन जाता है लीनियर मॉडल, ठीक है। लीनियर मॉडल मतलब क्या? जहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता, मतलब एक ही पर्सन जो, मतलब एक सेंडर ही है जो मैसेज पहुंचा रहा है, और रिसीवर क्या कर रहा है, उसको सिर्फ रिसीव कर रहा है और कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ठीक है, वो बन जाता है लीनियर। मगर अगर हमें फीडबैक मिल जाता है, चाहे बाद में ही क्यों ना मिले, तो वो क्या होता है? इंटरैक्टिव मॉडल। सो देखो, फॉर एग्जाम्पल हम इसे ना एकदम इजी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अभी हमारे बीच में कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है? यूट्यूब के जरिए हो रहा है। मैं यूट्यूब के जरिए आप लोग से कम्युनिकेट कर रही हूँ। आप लोग के पास ये वीडियो समझो अपलोड होगा कुछ 6-7 बजे। अब आप लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ये वीडियो देखोगे, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, मतलब जब पूरी वीडियो देख लोगे, उसके बाद आप कमेंट करोगे। आप समझो 8 बजे कमेंट करते हो, या 10 बजे कमेंट करते हो, या नेक्स्ट डे, अगले दिन कमेंट करते हो, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे फीडबैक डिले होते जा रहा है। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप मुझे फीडबैक दे रहे हो, तो मतलब इंटरैक्टिव तो है ये, मगर क्या हो गया? फीडबैक बाद में मिल रहा है। तो इसलिए इस मॉडल को, इंटरैक्टिव मॉडल को, हम असिंक्रोनस मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? सेंडर और रिसीवर सेम टाइम पे प्रेजेंट नहीं है। इसको हम और एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने किसी फ्रेंड को 1 o'clock व्हाट्सएप किया, ठीक है, पर आपको जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब उसका रिप्लाई आपको आ रहा है कुछ 4 बजे, तो क्या हो गया? यहाँ पे भी फीडबैक क्या हुआ? डिले हो गया। तो हमें क्या याद रखना है कि इंटरैक्टिव मॉडल क्या है? जहाँ पे हम न्यू मीडिया, न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया वगैरह हो गया, ठीक है, यहाँ पे फीडबैक क्या होता है? डिले हो जाता है। इसे हम असिंक्रोनस भी कहते हैं। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो हमारा फर्स्ट मॉडल है चार्ल्स ऑसगुड एंड विल्बर श्रम्स मॉडल। सो चार्ल्स ऑसगुड एंड विल्बर श्रम्स, ये दोनों ही कम्युनिकेशन साइंटिस्ट थे, और ये मॉडल ऑसगुड एंड श्रम्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि विल्बर श्रम्स ने भी इस मॉडल में कंट्रीब्यूट किया था, और ये मॉडल बना था, यानी पब्लिश हुआ था 1954 में। सो ये मॉडल बना था लीनियर मॉडल को स्टडी करने के बाद, और फिर इसमें निकल के आया था कॉन्सेप्ट फीडबैक का। सो जैसे हम सब जानते हैं कि लीनियर मॉडल में क्या नहीं होता? फीडबैक नहीं होता, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। वहां पे सेंडर ही जो होता है सारी अथॉरिटी लेता है मैसेज की, मतलब मैसेज को जो भी सेंड करना है, जो बनाना है, सब कुछ किसके हाथ में होता है? सेंडर के हाथ में। और रिसीवर क्या करता है? सिर्फ उस मैसेज को रिसीव करता है, मतलब सिर्फ मैसेज को समझता है, सुनता है, पर सामने से कोई रिस्पॉन्स या फीडबैक नहीं देता है। तो फिर इस मॉडल ने बताया कि कैसे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कैसे समझ में आएगा कि अगले पर्सन को हमारा मैसेज समझ में आया है कि नहीं, मतलब जो भी हमने सामने के पर्सन को मैसेज भेजा है, उसको हमारा मैसेज समझा या नहीं समझा। इसलिए इस मॉडल को इंटरपर्सनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। सो एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है ये, जहां पे सेंडर और रिसीवर दोनों ही एक टाइम पे एनकोडर और डिकोडर का रोल प्ले करते हैं, एक दूसरे को रिस्पॉन्स देते हुए, मतलब एक दूसरे को फीडबैक देते हुए। हमने इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे अभी यहाँ पे सोर्स है, यानी कि ये सेंडर है, ये मैसेज है, और ये रिसीवर है। सो हमारा मैसेज क्या है यहाँ पे? पॉल्यूशन, ठीक है, मतलब दो लोग हैं, दो दोस्त हैं आपस में, सेंडर ये और ये रिसीवर। सेंडर के दिमाग में क्या है कि आज मैं अपने दोस्त से किसके बारे में बात करूंगा? पॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा। तो अब सेंडर ने यहाँ पे क्या किया? अब उसके दिमाग में जो भी पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी उसके दिमाग में चल रहा था, उसने अपने उस मैसेज को क्या किया? एनकोड किया, यानी शब्दों में ढाला, और वो क्या बन गया? एनकोडर बन गया, ठीक है। उसके दिमाग में, मतलब उसको बात पहुंचानी थी कि इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन एक कारण है पॉल्यूशन बढ़ने का, तो इस तरीके का मैसेज वो क्या किया है? उसने एनकोड किया, शब्दों में ढाला, और सीधा रिसीवर तक पहुंचा दिया।
और रिसीवर ने क्या किया वहां पे, इसको डिकोड किया यानी कि इसको समझा और इसको इंटरप्रेट किया, मतलब अपने दिमाग से कुछ भी उसने मैसेज को समझा। जरूरी नहीं है वो सेंडर के जो भी मैसेज है उससे सहमत हो, वो असहमत भी हो सकता है, बट द थिंग इज क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मैसेज का समझना। मतलब रिसीवर को समझ में आ गया कि सेंडर ने मुझसे किसके बारे में बात करी है, पॉल्यूशन के बारे में बात करी है। तो अब यहाँ पे रिसीवर क्या करेगा, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा, उसमें कुछ एड ऑन करेगा कि हाँ ये भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब वो क्या कर रहा है, अब वो डिकोड एनकोड कर रहा है, एनकोड मतलब अब वो खुद भी बना रहा है मैसेज को और बना के क्या कर रहा है, सेंडर तक पहुंचा रहा है। अब यहाँ पे रिसीवर क्या बन गया, जब वो मैसेज पहुंचा रहा है एनकोडर बन गया, और जब ये सेंडर के पास पहुंचेगा तो सेंडर क्या बन जाएगा, यहाँ पे डिकोडर बन जाएगा। मतलब अब फिर वो मैसेज को समझेगा, फिर वो मैसेज क्या करेगा, फिर दोबारा से रिसीवर तक पहुंचाएगा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सर्कुलर प्रोसेस चल रहा है, इसलिए इस मॉडल को सर्कुलर मॉडल भी कहा जाता है। सो इस मॉडल का जो मेन पर्पस था वो था फीडबैक, मतलब कि एक अच्छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, एक अच्छा डिस्कशन होने के लिए किसी भी टॉपिक पे मेन क्या है, फीडबैक होना बहुत जरूरी है। सो आई होप आपको ये मॉडल अच्छे से समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट है हमारा श्रेम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। विल्बर श्रेम ने ये मॉडल दिया था अपनी बुक मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट 1954 में। सो ये कम्युनिकेशन भी सेम सिमिलर मॉडल है, यहाँ पे भी सेम ही प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, जहाँ पे सोर्स और एनकोडर दोनों ही सेम पर्सन है, जो अपना मैसेज यानी कि सिग्नल लैंग्वेज के थ्रू, लैंग्वेज में ढाल के अपने रिसीवर तक पहुंचाते हैं, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। फिर रिसीवर क्या करता है, उस मैसेज को डिकोड करता है, समझता है, इंटरप्रेट करता है, समझने के बाद क्या करता है, सेंडर तक वो फीडबैक भेजता है यानी कि सेंडर को रिस्पॉन्स देता है। फिर सेंडर क्या करेगा, सेंडर भी उस मैसेज को समझेगा, समझने के बाद फिर से रिसीवर तक उसको पहुंचाएगा मैसेज को। तो ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। अच्छा मेन कंपोनेंट क्या है इस मॉडल का, एनकोडिंग और डिकोडिंग ऑफ द मैसेज। मतलब जितने अच्छे से आप एनकोड करोगे मैसेज को, तो क्या होगा, रिसीवर उसको अच्छे से डिकोड कर पाएगा। और जरा सा भी दोनों में मिसकम्युनिकेशन होगा तो क्या होगा, रिसीवर मैसेज को अच्छे से डिकोड नहीं कर पाएगा और वहां पे मैसेज फेल हो जाएगा। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लेते हैं एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है, वो दो क्लास को पढ़ा रहे हैं, मतलब दो डिफरेंट क्लास को पढ़ाते हैं, एक है 5th क्लास के स्टूडेंट्स, दूसरे है 10th क्लास के स्टूडेंट। जब वो 10th क्लास के स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, उनका जो एनकोडिंग का तरीका है वो अलग होगा, वहां पे अपने मैसेज को अलग तरीके से एनकोड करेंगे, ऐसे करेंगे जिससे वो बच्चों को समझ में आए। और जब वो 5th स्टैंडर्ड के कम्युनिकेशन मतलब उन बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करेंगे तो वहां पे उनका एनकोडिंग का तरीका अलग होगा, वहां पे वो उन बच्चों के एज के हिसाब से कम्युनिकेट करेंगे ताकि वो बच्चे उस मैसेज को डिकोड कर पाए। तो हम यहाँ पे ये भी मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर टीचर यहाँ पे 10th के स्टूडेंट्स या 5th क्लास के स्टूडेंट के साथ कॉलेज स्टूडेंट के जैसा कम्युनिकेट करने लगे, मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे कि ये बच्चे जो जानते ही नहीं है उस शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, तो क्या होगा, यहाँ पे ये बच्चे इस मैसेज को डिकोड नहीं कर पाएंगे, मतलब जो भी टीचर उन्हें बता रही है या पढ़ा रहे हैं तो वो उस मैसेज को समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मैसेज जो इनका कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा। और जो सेंट्रल एस्पेक्ट है इस मॉडल का जो हमें याद रखना है वो है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब जो फर्स्ट टाइम इसमें ऐड हुआ था वो था फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। विल्बर श्रेम का मानना था कि सेंडर और रिसीवर के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन, सक्सेसफुल इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब पूरा होता है, जब सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में सेम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस हो, यानी कि ये मॉडल बात करता है कॉमननेस के बारे में, मतलब जो दोनों के बीच में जितनी सिमिलैरिटी रहेगी उनका कम्युनिकेशन उतना इफेक्टिव उतना अच्छा होगा। और वो सिमिलैरिटी कुछ भी हो सकती है, चाहे वो सेम एज के हों, सेम प्रोफेशन के हों, नॉलेज लेवल सेम हो, सेम कल्चर से बिलोंग करे या उनकी लैंग्वेज सेम हो, तो जितनी सिमिलैरिटीज रहेंगी उतनी अच्छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। देखो जब सेम लैंग्वेज होती है तो हम कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, जैसे अभी कोई पर्सन है, कोई भी उनकी लैंग्वेज हो सकती है, चाहे वो दोनों आपस में इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, तमिल में, मतलब कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, जब दोनों की लैंग्वेज सेम होती है तो कितने अच्छे से वो लोग बात कर पाते हैं। पर दोनों में से किसी की भी लैंग्वेज अलग होती है तो इतना मतलब कम्युनिकेशन इतनी कंफर्टेबल नहीं होके बात कर पाते वहां पे, क्योंकि क्योंकि दोनों की लैंग्वेज अलग है। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब दो लोग सेम प्रोफेशन के होते हैं तो उनमें कितनी सारी सिमिलैरिटी होती है, वो लोग कितनी सारी चीज बात कर सकते हैं एक दूसरे से, एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं, जैसे एक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है और दूसरा जो पर्सन है वो लॉयर है, अब क्या दोनों का प्रोफेशन अलग है,
तो इनके बीच में क्या इतनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, अगर ये अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बात करेंगे एक दूसरे से। पर अगर यही डॉक्टर और दूसरा डॉक्टर, मतलब जो दोनों डॉक्टर आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, तो दोनों के बीच में कितनी सारी सिमिलैरिटी निकल के आ सकती है। दोनों अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकते हैं, दोनों मेडिसिन से रिलेटेड बात कर सकते हैं, कोई भी मेडिकल फील्ड की ऐसी टॉपिक होगी जो दोनों अच्छे से बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं उस पर। तो इससे क्या होगा, इनकी कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होगी, एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होगा। तो ये था हमारा श्रेम्स मॉडल एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। सो अब लास्ट में हम देखेंगे कुछ हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ये आ चुका है। सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कम्युनिकेशन वाया न्यू मीडिया सच एज कंप्यूटर्स, टेली शॉपिंग, इंटरनेट एंड मोबाइल टेलीफोनी इज टर्म्ड एज व्हाट। तो ये हमने अभी ही डिस्कस किया है, डिटेल में पढ़ा है हमने इसके बारे में कि हम ऐसा मतलब न्यू मीडिया को एक मीडियम बना के, है ना, एक माध्यम बना के जब लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो वह है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कन्वर्जेंस। सो कन्वर्जेंस को हमने लास्ट हमारे प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस किया है। कन्वर्जेंस क्या होता है, जहां पे हम जितनी भी टेक्निक को एक साथ मिला देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस। का एग्जाम्पल भी हमने लिया था स्मार्टफोन। स्मार्टफोन क्या है, जहां पे हम एक साथ देखो हर चीज मिली हुई होती है, जहां पे हम फोन भी कर लेते हैं, कैमरा भी है, फोटो खींच लेते हैं हम, राइट, रेडियो सुन लेते हैं, वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या है, एक ही स्मार्टफोन पे इतने सारे काम हो रहे। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इट इज द कंबाइनिंग टुगेदर ऑफ कंप्यूटिंग, टेली कम्युनिकेशन एंड मीडिया इन डिजिटल एनवायरमेंट। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राइमरली द फंक्शन ऑफ कन्वर्जेंस इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस, इश्यूज, इवेंट्स एंड अदर डेवलपमेंट इन सोसाइटी। तो इसका आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ओनली वन। ठीक है, कन्वर्जेंस क्या है, जहाँ पे ये क्या है, कंबाइनिंग टुगेदर ऑफ कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया इन डिजिटल एनवायरनमेंट, मतलब हर टेक्निक को हम मिला के कम्युनिकेट करते हैं वो होता है कन्वर्जेंस, वो होता है इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सारे लेक्चर्स अच्छे से समझ में आए हैं तो इसे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।